पेट्रोल डीजल और गैस टंकी के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में शनिवार को कांग्रेस सड़कों पर उतरी। प्रदेशव्यापी बंद के चलते कांग्रेस ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बंद का व्यापक असर छिंदवाड़ा में देखने को मिला। यहां पर कांग्रेस के आह्वान पर व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख सहयोग दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि छिंदवाड़ा में व्यापारियों व नागरिकों से काफी सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी का आह्वान सफल रहा है। आज देखिए माननीय कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने महंगाई के विरोध में पूरा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है। जहां तक छिंदवाड़ा की बात है, निश्चित रूप से हमारे व्यापारियों से और आम जनता से हमको अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं और महंगाई के प्रति जनता को जागरूक करने और उनको ये बताने के लिए कि आज क्या स्थिति देश में हो रही है, प्रदेश में हो रही है, ये माननीय कमलनाथ जी का आह्वान था जो सफल था। बड़वानी में कांग्रेस के बंद का असर देखने को मिला। यहां व्यापारियों द्वारा कांग्रेस के बंद का समर्थन किया गया। वहीं दुकानें बंद करवाने के लिए कांग्रेसी सुबह से ही सड़कों पर उतरे। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि प्रदेश और केंद्र दोनों सरकार चश्मा उतार ले, नहीं तो आम जनता ठीक कर देगी। बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान भी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे ज़िले में भी आज किसान संघर्ष पद यात्रा निकल रही है। हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र दरबार जी ने कार्यक्रम ये रखा है और बंद का आह्वान यहाँ पूरे बड़वानी जिले में बंद का आह्वान भी है और राजपुर में और सब जगह बंद लोगों ने रखा भी है। और देखिए बेतहाशा जो है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, खाद्य पदार्थ है, उनके ऊपर बेतहाशा इन सरकारों में जो वृद्धि हो रही है, इस कारण से ये बंद का आह्वान है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी कार्यक्रम हो रहे हैं। नहीं, आगे देखिए, जब तक ये सरकार समझती नहीं, चेतती नहीं है, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे पहले ही ऑलरेडी जो है किसान जो धरने पर बैठे और किसानों के समर्थन में और उनके फेवर में पूरे मध्य प्रदेश में ट्रैक्टरों से रैलियाँ निकली है, जगह जगह धरना हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है और उसके बाद किसान संघर्ष पद यात्रा जो चल रही है, तो किसानों का मुद्दा तो एक अलग है। ये देखिए जैसे खाने के तेल के रेट बढ़ा रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा रहे हैं और उसके बाद केवल एक महीने में 13-13, 14-14 बार 3 घंटे में 3-3 बार इनने जो फ्यूल में और इसमें जो वृद्धि की है, तो सरकार को चेतना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी मस्ती में या गुरूर में अगर सत्ता के चश्मा में बैठी तो सरकार दोनों सरकारों को, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को, जनता ठीक और राइट कर देगी। इधर श्योपुर में भी बंद का असर देखने को मिला। यहां कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता पैदल रैली के रूप में निकले। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से दुकानें बंद करने का आह्वान किया। हालांकि यहां कांग्रेस नेताओं ने दुकानों के साथ ही पेट्रोल पंप भी बंद करवाया। आज इस महीने जितना हिंदुस्तान हमारा तीनों देश तरफ से, कोई चुप लेने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मार को रोकने के लिए आप सबका सहयोग हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, मेरे दोस्तों, मेरे व्यापारी भाई और शोपुर क्षेत्र की। इधर दतिया में भी बंद का असर देखने को मिला। यहां कांग्रेस नेताओं ने जिला अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के नेतृत्व में शहर भ्रमण किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष नाहर सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई से माता बहनें भी परेशान हो रही हैं। सरकार के द्वारा जो गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल के दामों के बेतहाशा दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। आज हमारी माताएं बहनें किचन में परेशान हैं बढ़ती हुई महंगाई के कारण, और इस सब को लेकर के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश दिए हैं कि सारे मध्य प्रदेश में एक दिन का आधा दिन यानी 2 बजे तक सारा बाजार, सारा प्रदेश बंद रहेगा। और उसी तारतम्य में हम लोगों ने भी, हम दतिया के सब कांग्रेसजनों ने, हमारे सभी साथी यहाँ जुटे हुए हैं। कल भी हम लोगों ने बाजार में संपर्क किया था और बाजार बंद कराने के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। आज सारा संपूर्ण बाजार हम लोगों के केवल आह्वान भरते कर देने से बाजार आज बंद है। सिंगरौली जिले में कांग्रेसियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेसियों द्वारा शहर में भ्रमण कर दुकानों को बंद कराया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष तिलक राज सिंह ने कहा कि यहां कांग्रेस पार्टी द्वारा गांधीवादी तरीके से सरकार को चेताया है। डीजल पेट्रोल के महंगाई पे लेके कांग्रेस पार्टी
और पूरे प्रदेश की आम आवाम जनता और किसान सब साथ इस कार्यक्रम में, और सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं आज, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी कभी परेशान नहीं किया है, परेशान लोगों को निजात देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है हमेशा, इसका इतिहास है। और गांधी जी ने जो हमारा पार्टी है गांधीवादी तरीके से हम अपना के हम अपने बातों को मनवाना चाहते हैं। गांधी जी के बारे में आपने सुना है, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ा था, यदि अंग्रेज़ लोग यदि एक झापड़ मारते थे तो दूसरे गाल को भी इशारा कर देते, इसलिए भी मान, लेकिन अपनी बात को हम मनवाएंगे, हम इससे हम इस मानव को करने वाले नहीं। आज हम लोग ये कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से अपनी बात को हम सरकार को जताते हैं कि आपका जो रवैया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और देश में, वो अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति है। हम उसको चेताना चाहते हैं कि आप अपने आदतों पे सुधार ला लो और किसानों के हित में काम करो, यहाँ के नौजवानों के हित में काम करो, यहाँ के मजदूरों के हित में काम करो, और किसी अंबानी और अंडानी और उद्योगपतियों के इशारे पे आप मत काम करो, यही हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। शहडोल में भी कांग्रेस के बंद का असर देखने को मिला। यहाँ कांग्रेसियों द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि शहडोल में भी पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार पहुंच गया है, महंगाई के कारण आम जनों की रसोई स्वादहीन हो गई है। आज बंद का आह्वान मूल रूप से डीजल और पेट्रोल के मूल्य वृद्धि, आज पेट्रोल शहडोल में भी 100 रुपए पार कर गया, डीजल 90 के आसपास है, गैस सिलेंडर की ये स्थिति है कि आम जनों के जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं इनकी रसोई स्वादहीन हो गए। आज जिस प्रकार से गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोलियम और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इनके कंपनी के मालिकों को लाभ पहुंचाने की कोशिश है केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमेशा ये बात कहा जाता है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी 161 रुपये बैरल अंतर्राष्ट्रीय मूल्य था कच्चे तेल का, और उस समय पेट्रोल 50 रुपये हुआ था। इधर खरगोन जिले में कांग्रेस के बंद का असर दिखाई नहीं दिया। यहां एक भी कांग्रेसी सड़कों पर नहीं उतरा। यहां भीकन गांव विधायक झूला सोलंकी खरगोन कांग्रेस विधायक के जन्मदिन पर व्यंजनों का लुफ्त उठाती नजर आई। चले जाओ, चलो बहरहाल देखा जाए तो कांग्रेस के बंद का असर शहरों में देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज।